है मानिए तो हम पूरे मोहल्ले वाले आगामी लोकसभा चुनाव के वोटों का बहिष्कार करेंगे। 19 तारीख को वोट डालने नहीं जाएंगे। अल्लाह हाय हाय अल्लाह हाय हाय सप्लाई नहीं आ रही है, इतना गंदा पानी से कैसे काम करे कोई। कीचड़ जैसा पानी आ रहा है, पानी है ना, तो पी नहीं सकते उस पानी को। और जो टैंकर से जो सप्लाई हो रही है उससे पीने का पानी तो आ रहा है, आदमी लोग रहते नहीं है। हम कब तक पानी भरे, कोई एक दिन की समस्या थोड़ी ना, ये रोज का ही काम है। कितने दिन से महीना भर हो गया, एक महीना भर हो गया इस पानी को। आप देख सकते हैं बाल्टियों में कितना गंदा पानी है, इतनी बदबू आ रही है, इस बच्चे कैसे पिए पानी को। हाँ वहाँ पर भी जाकर आगे दो बार जाकर आए। चंद्रकला, ये सिद्धार्थ नगर से मैं बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ नगर में 29 तारीख को लास्ट बार यहाँ पे पानी आया था। 29 तारीख के बाद से सिद्धार्थ नगर के अंदर नलों में पानी नहीं आया है। इस संबंध में हम पूरे मोहल्ले के वासी जाकर के जलदाय विभाग में बार बार संपर्क करते हैं, तो वो हमको पानी का टैंकर भेज देते हैं और पानी के टैंकर से पीने के पानी की आपूर्तियां तो हमारी हो रही है, लेकिन नहाने धोने के लिए और घर के जरूरी कामों के लिए पानी की उपलब्धता हमारे पास है नहीं। और इस संबंध में हम इस पार्षद से भी संपर्क करिए, जिला प्रशासन से भी संपर्क किया, लेकिन कोई इस संबंध में ध्यान नहीं दे रहा है। 29 तारीख से आज 25 दिन हो गए, 25 दिन तक अगर घरों के अंदर पानी नहीं आएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी विकट समस्या है। पानी भी बहुत गंदा आ रहा है, जो भी आपको हमने दिखाया है वो भी केवल शुरू के 2-4 घरों में आ रहा है, बाकी ये पूरे मोहल्ले में, यहाँ इस गली इस कोने से लेके उस कोने तक कभी कहीं एक भी घर में पानी का नल टपका नहीं है आज। और इस समस्या का समाधान अगर जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया तो हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है कि आगामी 29 तारीख को लोकसभा चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। कोई वोट नहीं देगा, कोई भी सिद्धार्थ नगर से वोट देने के लिए नहीं जाएगा। मेरा नाम प्रवीण शुभम।